आ गए। ज्ञात था मुझे कि कृष्ण तुम्हें सत्य का अनुभव करा देगा। नहीं माता, मैं यहाँ केवल आपके पति सूर्यदेव से वार्तालाप करने आया, और कुछ भी नहीं। मेरे पति और तुम्हारे पिता सूर्यदेव। नहीं माता, वो मेरे लिए केवल आपके पति सूर्यदेव हैं और कोई भी नहीं। और रही बात कृष्ण के सफल होने की, तो वो मेरे सूर्यदेव के साथ वार्तालाप करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है पुत्र, तुम्हें जैसे शांति मिले वैसे सत्य को परख लो। वैसे आपके पति है कहाँ? वो अब तक लौटे नहीं है। मैं अपने कक्ष में जा रहा हूँ माता, जब आपके पति सूर्यदेव लौट आए तो मुझे बुला दीजिए। तो सूर्यदेव महल पहुंच चुके होंगे और शनि और उनके बीच की सारी शंकाओं और सारी समस्याओं का समाधान भी हो रहा होगा। जब वो यहां से चला गया था तो वापस क्यों आया? मैं यहां से अंतर्ध्यान इसीलिए हुआ था क्योंकि मैं चाहता था वो सदा के लिए इस महल से चला जाए। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं इस महल में उसकी छाया तो क्या उसकी परछाई तक नहीं देखना चाहता हूं। वो कुरूप निस्तेज बालक मेरा पुत्र नहीं हो सकता, कदापि नहीं। सूर्यदेव, सूर्यदेव को अचानक से क्या हो गया? पहले तो ये शनि से मिलने के लिए व्याकुल थे, तो यह है सूर्यदेव का सत्य। कृष्ण ने छल किया है मेरे साथ, झूठे दृश्य दिखाकर विश्वासघात किया है मेरे साथ। अब कृष्ण को इस छल का दंड मिलेगा, उसके इस अपराध की अब कोई क्षमा नहीं है। सब कुछ समाप्त हो गया, अब मेरा परिवार कभी पूर्ण नहीं होगा, कभी पूर्ण नहीं होगा। शनि और सूर्यदेव, क्या क्या हुआ उनको? आपको मुझे विस्तार से बताना होगा यहाँ क्या हुआ था। कुछ घड़ी पूर्व सूर्यदेव यहाँ आए थे। बहुत सहन कर ली मैंने तुम्हारी उदंडता, अब समय आ गया है तुम्हें सत्य बताने का। मेरे इस सूर्य महल में ना तो तुम्हारी कोई आवश्यकता है और ना ही तुम्हारा कोई स्थान है। मैंने तुम्हें कभी अपना पुत्र नहीं माना और ना ही कभी मानूंगा। और वो ग्वाला कृष्ण तुम्हें अपनी लीलाओं से भ्रमित कर रहा है, तुम्हें एहसास दिला रहा है कि मैं तुम्हें सच्चा प्रेम करता हूं, तुम मेरे पुत्र हो। और तुम मूर्खों की तरह उसकी बात मान गए। ऐसी मूर्ख संतान मेरी नहीं हो सकती। अब अपना ये स्यामू लो और निकल जाओ मेरे भवन से। नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम जमाग्रजम। सत्य कहा आपने सूर्यदेव, सत्य कहा। तम नमामि, अपनी मूर्खता में मैंने एक क्षण के लिए सही तम नमामि अपना पिता मान लिया था, चरम लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी।
वास्तव में आप केवल एक अहंकारी अभिमानी देव है और कुछ नहीं, और एक दिन आपका यह अहंकार ही आपके विनाश का कारण बनेगा सूर्यदेव। न्याय तराजू, ये शनि का वचन है आपसे, और शनि का वचन का बनी का बनी का बनी अंतिम वचन। शनि, पुत्री शनि, पुत्री शनि, सूर्यदेव, ये क्या हो गया है आपको? आप ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? वो भी अपने ही पुत्र से। शनि, शनि पुत्र रुको। रुक जाओ, अपनी माता को ऐसे छोड़कर मत जा। मैंने तुम्हारे लिए तिल के लड्डू बनाए, बहुत प्रिय है ना तुम्हें तिल के लड्डू? लो पुत्र। सुना नहीं आपने क्या कहा सूर्यदेव ने? वो अब मेरे पिता नहीं है, अब इस सूर्य महल में मेरे लिए कोई स्थान नहीं, और अब जो भी मुझे रोकने का प्रयास करेगा मेरा शत्रु बन जाएगा। और मैं नहीं चाहता माता कि आप मेरे शत्रुओं की श्रेणी में आए, इसलिए आप मुझे रोकने का प्रयास मत कीजिए। पता नहीं अचानक से वो अपने ही पुत्र से ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? सूर्यदेव ऐसा नहीं कर सकते, वो इस समय कहाँ है? वो अपने कक्ष में है। सूर्यदेव? हाँ, मैं ही तो हूँ सूर्यदेव, मैं इस महल का अधिपति हूँ। सूर्यदेव कौन है बताओ, कौन है तुम? ना वरना अभी भस्म कर दूंगा। काना, काना, चलो मैं तुम्हें लेने आया। काना, काना, ये तुम क्या कर रहे हो? बहुत समय हो गया ना दाऊ हमें कुश्ती लड़े हुए, चलो एक एक हाथ धो जाए, देखते हैं कौन जीतता है। चलो, मुझे श्वास लेने नहीं हो रहा है। अब मेरा धैर्य समाप्त हो रहा है, रूपिए अपने अस्थाई रूप में आओ, वरना तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। मुझे मत मारी, मैं अपने असली रूप में प्रकट होता हूं। ये मेरा असली रूप है। मेरा नाम भूमासुर है। तो तुम ही हो इसने सूर्यदेव का रूप धारण किया था? जी प्रभु। इसके कहने पर? दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहने पर प्रभु। तुम्हारी तप ने, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे यहां आने पर विवश कर दिया। शनि, कहो क्या चाहते हो? महादेव, मैं सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली दंड नायक बनना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे न्याय और दंड का विरोध कोई भी देवता, दानव या ग्रह ना कर सके। अलौकिक, तुम जो मांग रहे हो शनि, वही तुम्हारी नियति भी है। आज मैं महादेव इस संसार का तुम्हें दंडनायक घोषित करता हूं। इस धरती पर हर प्राणी के पापों का ब्यौरा तुम रखोगे, उनके पापों का दंड तुम उन्हें दोगे, वो भी इसी जीवन काल में। तुम्हारे और तुम्हारे कार्य के मध्य कोई भी नहीं आएगा।
ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें दंडनायक शनि। अब तुम्हें तुम्हारे पापों के दंड से कोई नहीं बचा सकता। कोई भी नहीं सूर्यदेव। सूर्यदेव नहीं, आपका बाहर जाना उचित नहीं है। शनि रोष में होश खो बैठा है। शिव से वरदान प्राप्त कर उसका साहस और बढ़ गया है। आपके उस कपटी दूत को तो परास्त कर दिया मेरे वार ने सूर्यदेव। आपकी ये चुप्पी आपके कायरता का प्रमाण दे रही है सूर्यदेव। अब आपको आपके महल से बाहर लाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस संसार में जो भी सूर्य को देव मानकर उनकी पूजा कर रहा है अभी इसी क्षण रुक जाए। मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकता। सूर्यदेव अंततः आप अपने महल से बाहर आ ही गए। अब जब आप आ ही गए तो अपना दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। शनि अब आप नहीं बच सकते सूर्यदेव। मैं अपनी उपमाता संध्या के सम्मान में आज के लिए इस युद्ध को विराम देता हूं। कल सूर्योदय होते ही ये युद्ध पुनः आरंभ होगा। तैयार रहना। प्रभु कौन हो तुम? प्रभु मैं एक सूर्य भक्त हूं। प्रभु पिताजी का भक्त, वो भी ऐसी अवस्था में? शनि देव ने प्रण लिया हुआ है इस मस्त पृथ्वी से सूर्य भक्तों का नाश कर देगा। प्रभु मैंने तो स्वयं शनि देव के मुख से सुना कल सूर्य उदय होते ही वो सूर्य देव को मृत्यु दंड देने वाले हैं। प्रभु ये नहीं हो सकता। कल शनि का सामना पिताश्री से नहीं मुझसे होगा, अपनी मृत्यु से। सूर्यदेव आज इस सूर्योदय के साथ मैं सूर्यदेव को अस्त कर दूंगा। ठहर जाओ शनि, इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे हैं? याम चले जाओ, मेरी शत्रुता सूर्यदेव के साथ है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम्हें कोई हानि पहुंचे। प्रणाम महादेव। महादेव आप तो सर्वज्ञाता हैं। आप ही ने शनि को वरदान दिया था दंड नायक का। अब आप ही मुझे बताएं कि इस पिता पुत्र के भीषण युद्ध को कैसे रोकूं मैं? कभी आप लीला करते हैं कभी मैं, परंतु मैं जो भी करता हूं वो इस संसार के लिए आवश्यक होता है। और आज जो भी हो रहा है वो भी होना आवश्यक था केशव। परंतु महादेव आज का युद्ध इस सृष्टि का अंत कर सकता है, इस सृष्टि को अंधकार में झोंक सकता है। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा महादेव। अब आप ही बताएं आपकी इस लीला का अंत कैसे होगा? इस लीला का अंत मेरे द्वारा परंतु आपके हाथों ही संपन्न होगा। महादेव अब आप भी मेरी तरह पहेलियों में बात करने लग गए। अब आप मुझे विस्तार से बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए,
आपको स्मरण करना चाहिए अपने उस भक्त का जिसने आपके परम भक्त होने की उपाधि प्राप्त की है, जिसने अपना हृदय चीर कर आपके दर्शन कर लिए थे। एक वही है जो किसी के भी अहंकार का अंत कर सकता है। हर हर महादेव। कैसे निर्लज्ज, कैसे निर्दय पिता है आप सूर्यदेव। अपने पुत्र को भेज दिया मरने के लिए और स्वयं अपने महल में आराम कर रहे हैं। लगता है आपके कायरता की कोई सीमा नहीं है सूर्यदेव। अपने पुत्र को तो नहीं बचा पाए, अब देखते हैं अपने भक्तों को बचाते हैं या नहीं। पीछे से वार करता है कायर। निर्दोष आश्रय ऋषियों पर हमला करके स्वयं को अधिक कीर्तिवान समझते हो शनि, तो आओ लड़ो मुझसे और मुझसे भी। प्यारे मित्र, हर युग में तुमने मेरी सहायता की है, अपनी भक्ति का प्रमाण दिया। तुम्हारी सहायता के कारण ही मैं दशानंद को हरा पाया था, आज मुझे फिर तुम्हारी आवश्यकता है। प्रकट होकर अपने सहयोग का सम्मान दो प्रिय भक्त। आज तुम्हारा परम फिर एक संकट है। केवल एक बार मेरी बात सुन लो तुम। बस करो कृष्ण, अन्यथा मेरे दंड में मृत्यु मिलेगी तुम्हें। कृष्ण फिर भाग्य छलिया कायर। हे बालक, ये सोने का स्थान नहीं है, हटो मेरे मार्ग से। तुम जानते भी हो मैं कौन हूं, दंडनायक शनि हूं मैं। अभी इसी क्षण तुम्हें दंडित कर सकता हूं कि तुम, मैं एक बालक को दंड नहीं देना चाहता, इसलिए कह रहा हूं हट जाओ मेरे मार्ग से। ये बालक ऐसे नहीं मानेगा, अब इसे दंड देना ही पड़ेगा। छोड़ दे मुझे बानर, छोड़ मुझे, तेरे साथ क्रीड़ा करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, छोड़। नहीं, यह नहीं हो सकता। कृष्ण तो शनि के समक्ष साक्षात संकट मोचन हनुमान को ले आए। छोड़ो मुझे। रुक जाइए हनुमान, छोड़ दीजिए मेरे पुत्र को, बहुत पीड़ा में है ये इस समय। परंतु गुरुदेव, आपने मुझे अपना गुरु माना है ना, तो मेरी बात मानिए। जो आ गया। शनि, बालपन में मैं भी तुम्हारी तरह घमंडी, अभिमानी और उद्दंड था। मुझे लगा कि मैं परम शक्तिशाली हनुमान हूँ, सबसे बड़ा हूँ, और यहाँ तक कि मैं सूर्यदेव को
निकलने ही वाला था, पर तब मुझे अपनी सारी शक्तियां भूल जाने का श्राप मिला। यही परिणाम होता है अहंकारी का। शनि, तुम भी वही भूल कर रहे हो। यही दिखाने के लिए मैंने हनुमान को यहाँ पे बुलाया शनि, ताकि तुम अपने पिता का प्रेम देख पाओ। तुम्हारी थोड़ी सी भी पीड़ा तुम्हारे पिता को सहन नहीं हुई। प्रभु, प्रभु मैं आ गया प्रभु। भीषा सर, बताओ सत्य। प्रभु, जो मैंने अपमानजनक बातें आपसे कही थी, मैं अपनी भूल स्वीकारता हूँ। जब सत्य कहा है तो दंड में कोई रियायत ही दे दीजिएगा। कृष्ण, मेरे भाई, मुझे क्षमा कर दो। हनुमान, आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत आभार रहा था। अब आप अपनी साधना में वापस लौट सकते हैं। जो आज्ञा प्रभु, प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव।